तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि उसका हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। एनालिसिस भी हमने कर लिया, अपने लेवल्स पे निकाल लिया। अब इसके बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि बाई या सेल, क्या हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जैसे कल हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो के अंदर हमारा जो टारगेट था, कल एक शॉर्ट वीडियो बना करके हमने आप लोगों को अपडेट किया था। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है 5162 का टारगेट होने वाला है एंड एंट्रीज जो हमने यहाँ पर डिफाइन की थी अपनी 5260 पर एग्जैक्ट यहाँ पर हमें एंट्रीज मिली थी। कल का ये ट्रेड था। अभी कल के ट्रेड को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेड से हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, रीडिंग एंड रीडिंग्स के बाद में बाई या फिर सेल इसको समझते कैसे। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो कि एक वीडियो के अंदर, दो चार पांच वीडियो के अंदर ये क्लियर नहीं हो सकती। कब तक? जब तक हम लोग इसका लगातार अभ्यास ना करते रहें, लगातार जब तक इसकी प्रैक्टिस ना हो। एक ही सिस्टम की, एक ही पैटर्न की हमें कई बार, कितने ही राउंड उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती, तब जाकर के वो सिस्टम्स क्लियर होते हैं। फिर भी एक वीडियो में जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन सिस्टम्स को मोटा मोटा हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है डेली बेसिस फॉर्मेशन। डेली बेसिस फॉर्मेशन में कई सारे मेथड्स आ जाते हैं। ये मेथड्स वो मेथड होते हैं जिनके के ऊपर हमारी डेली टाइम फ्रेम पर कुछ फिक्स्ड फॉर्मेशन होती है। इन फिक्स्ड फॉर्मेशंस की मदद से हम लोग एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन पर पहुंचने में बहुत मदद मिलती है, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन पर पहुंचते हैं। ये डेली बेसिस पर कुछ फिक्स्ड फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल के लिए वीएसए हैं, कॉन्टिन्यूएशन की फॉर्मेशंस हैं, रिवर्सल्स हैं, सिंगल कैंडल फॉर्मेशंस हैं, इस तरह की कई सारी फॉर्मेशंस हैं। हाई टू हाई, लो टू लो क्लोजिंग सिस्टम है। हम जिन कैंडल्स का यूज़ करते हैं फिक्स्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये डेली फॉर्मेशन में अब मान लीजिए कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कुछ ये दो तरह की कैंडल ले लेते हैं कि जहाँ पर भी हमें इस तरह के पैटर्न मिलेंगे। हालांकि सिर्फ ये एग्जांपल है, ये एक प्रोटोटाइप आप मान सकते हो कि ये एक दो तरह की कैंडल आ जाएंगे और जहाँ पर भी इन दो तरह की फॉर्मेशंस बनेंगे हम इस जगह पर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन रहने वाला है वो ये वाला होगा। अभी इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ एक्शंस को एक तरह से कंफर्म भी करते हैं। ये भी नहीं है कि जस्ट जहाँ पर भी फॉर्मेशन मिली हम लोगों ने मार्क कर लिया, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो गए। कंफर्मेशंस चाहिए होती। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, ईजिली वे में हम लोग अपने फॉर्मेशंस की मदद से उन एक्शंस, उन पॉइंट्स पर पहुंचते हैं जहां पर हमें एक्शंस लेने होते हैं, बाई, सेल या तो फिर स्टॉप। तो डेली बेसिस पर फिक्स्ड फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड डेली बेसिस फॉर्मेशन। सेकंड आता है हमारा कैंडल टू कैंडल रीडिंग्स। कैंडल टू कैंडल रीडिंग्स कैसे होती है? यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड फॉर्मेशन का यूज नहीं करते। जैसे कि एक ये कैंडल बनी, इसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ पर ओपनिंग दिखाई और क्लोज यहाँ पर हो गया, मार्केट इस जगह पर क्लोज हो गया, ओपनिंग यहाँ पर, क्लोज यहाँ पर हो गई और फिर इस जगह पर आ गई मार्केट। ये क्या हुआ कि एक तो ये देखिए ग्रीन कैंडल बन रही थी, इसके बाद में मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई, प्राइस प्रीवियस डे की रेंज के बाहर में जाकर के ओपन हुआ। इस चीज को समझिएगा, प्राइस प्रीवियस रेंज के बाहर की तरफ जाकर के ओपन हुआ और हमारी रेंज के अंदर री एंटर कर गया, हमारी रेंज के अंदर आ गया। जिस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया था ना, इस रेंज के बाहर इसने एक ओपनिंग दिखाई, गैप अप ओपनिंग, वापस से प्राइस हमारी रेंज के अंदर आ गया। अब अगर यहाँ से प्राइस हमारा अगर वीक है तो ये इस वाली कैंडल के नीचे चला जाए, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ से तो हम शॉर्ट साइड की तरफ चले जाएंगे, या फिर अगर ऐसे स्टॉक में बाइंग करनी तो फिर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे नहीं, एक बाई साइड की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। दूसरी चीज, अब अगर ये स्ट्रांग था, अगर ये स्ट्रांग था तो इसे क्या करना चाहिए था, जहाँ से इसने गैप अप ओपनिंग दिखाई, यहाँ से गैप अप होता, वापस से प्रीवियस डे की कैंडल के हाई तक आता और यहाँ से सपोर्ट लेकर के सीधे अप साइड की तरफ चला जाता। देख रहे हैं ना, स्ट्रांग होने के लिए जो चीज यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जिस तरह के प्राइस एक्शंस रिक्वायर्ड है, अभी यहाँ पर वॉल्यूम का यूज हमने नहीं किया, तरह के प्राइस एक्शंस रिक्वायर्ड है, मार्केट उसके जस्ट अपोजिट साइड का बिहेव कर रही है। यानी कि गैप अप ओपनिंग देने के बाद में प्रीवियस डे की रेंज के अंदर आ गई मार्केट, प्रीवियस ये वाली जो कैंडल हमारी रेंज के अंदर आई, मार्केट ने इस वाली कैंडल को भी ब्रेक कर दिया। अब अगर यहाँ से प्राइस वीक है तो इसे क्या करना होगा ना, हमारी जो मास्टर कैंडल है इसके नीचे की तरफ आकर के ट्रेड करना शुरू कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, इसके अपोजिट मार्केट जाकर के काम कर रही है। दूसरी चीज, वापस से देखिए प्राइस हमारी इस मास्टर कैंडल की रेंज के अंदर आया और यहाँ से प्राइस ने फिर से अपसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया। तो ये क्या सिम्टम होता है कि यहाँ से जिन लोगों ने भी बाई किया, डाउन साइड उनके स्टॉप लॉसेस के भी स्टॉप लॉस लेने के बाद में बाई किया और ऑर्डर से सब लोग बाहर निकल गए। अब जैसे ही बाई साइड में जितने भी एसएल यहाँ पर गए, यहाँ से आपने बाई किया, बाई करने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आई, आपका स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लेने के बाद में वापस से देखिए प्राइस ने क्या किया, हमारी कैंडल के बाहर की तरफ जाकर के इसने ट्रेड एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। समझ पा रहे ना यहाँ पर क्या गेम चल रहा है? हम लोग कैंडल से कैंडल को रीड कर रहे हैं, उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम्स का क्या होता है इस जगह पर कि फर्स्ट हमारी जो मास्टर कैंडल है इसकी वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम, जो गेम होता है ये आगे की वॉल्यूम से स्टार्ट होता है, जो आगे की कैंडल्स होती है। अब मान लीजिए जिस कैंडल ने बाहर की दिशा में ब्रेकआउट दिखाया था, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो सकती है। अगर कम वॉल्यूम है तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस अपनी रेंज के अंदर री एंटर कर जाए। और अगर ऐसा होता है, प्रीवियस कैंडल की रेंज के डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेकआउट दिखाती है, प्रीवियस कैंडल की रेंज के डाउन साइड, ये जो डाउन पॉइंट है इसका, इसके नीचे आकर के अगर मार्केट दिखती है, यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आपको कुछ वॉल्यूम के ब्रेकआउट दिखाई पड़ते हैं ना, आप यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड लगा सकते हो। लेस वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर गैपअप दिखा रही है और वापस रेंज के अंदर आ गई, मतलब कि शॉर्ट सेलिंग। लेस वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे की तरफ आई, बट यहाँ से जैसे जैसे मार्केट ने अप साइड की तरफ जाना शुरू किया और हाई वॉल्यूम जैसे ही ब्रेकआउट के टाइम में मार्केट में इस जगह पर आ रही है और आपकी इस वाली कैंडल के बाहर दूसरी बार में मार्केट जाकर क्लोजिंग कर रही है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग साइड का व्यू बना करके उसको ट्रेड करते हैं। समझ में आया? यहाँ पर हमने ये समझाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि ये कोई मास्टर कैंडल है, यहाँ पर कम वॉल्यूम आ गई, ये ज्यादा वॉल्यूम आ गई, प्राइस ने हमारी एक कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। नहीं, यहाँ पर हम क्लियर क्या करना चाह रहे हैं, जो सिस्टम है इसमें अपनी कुछ फिक्स्ड फॉर्मेशन है एंड यहाँ पर कुछ फिक्स्ड फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग सिर्फ कैंडल टू कैंडल मर्ज कर रहे हैं, कैंडल्स एंड वॉल्यूम्स को मर्ज करके नेक्स्ट डे के लिए अपने लेवल्स निकालने, तब यहाँ पर हम अपने एग्जीक्यूशन करते हैं। और पॉइंट ऑफ एक्शन दोनों ही तरह के प्रिपरेशंस में हमें चाहिए होते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। अगर हमारे पास सही पॉइंट ऑफ एक्शन है तो फिर हमारे आगे के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए एक सही जगह बनती है, एक सही प्लेस हमें पकड़ में आ जाता है कि यहाँ से हम लोग अगर एग्जीक्यूशन करेंगे तो एसएल जाने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक स्टॉक सिलेक्शन चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन के अंदर इनबिल्ट ही होता है, स्टॉक सिलेक्शन में इनबिल्ट होगा कि आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, स्टॉप लॉसेस कंफर्मेशन, एंट्री है कंफर्मेशन, टारगेट्स के कंफर्मेशन, इसके बाद में जो उसके प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन होते हैं वो वॉल्यूम्स की रीडिंग आती हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने एनालिसिस को आगे की तरफ इंक्रीज करते चले जाते हैं। कॉन्फिडेंस आता है जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना, तो उसको ज़्यादा समय के लिए क्या होता है, हम लोगों को कल जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसको हमने लास्ट तक होल्ड किया, हालांकि प्रॉफिट कम रहा क्योंकि लो लगा देने के बाद में प्राइस सीधे ऊपर की तरफ चला गया, 4,500 या 5,500 रुपये कुछ का प्रॉफिट आया था, लेकिन उसको होल्ड किया क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो है नहीं। कहने का मतलब कि हम उसको लास्ट तक होल्ड कर रहे हैं। तो ये जो होल्ड करने की एक जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तभी आएगा जब आपकी रीडिंग सही हो, और उस जब रीडिंग आप करोगे और जब वो रीडिंग सही होने लगेंगी तो इससे धीरे धीरे बिल्ड होता है। फिर से घूम फिर कर बात यहीं पर आ जाती है कि जब आप लोग सेगमेंट्स वगैरह चेंज कर दो, देखिए सारी बातें जुड़ वहीं से जाती हैं। ये दिखता है जैसे कि आप फॉरेन मार्केट में चले जाओ तो वहाँ पर लैंग्वेज लोगों की अलग होती है, जब मार्केट आप पढ़ोगे या देखोगे समझो ना, तो आप मार्केट जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। अपने इंडियन मार्केट में जब हम लोग सीखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज अलग होती है। हर कंट्री का या प्लेस टू प्लेस जो भी जगह होती है ना, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज होंगी। शायद आप हमारी बात को ना समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पर आप देखो कि जब हम अपने ट्रेड्स को एक्सप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपकी साइकोलॉजी उसमें लॉस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। तो हमारी ज़्यादातर बातों में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन नहीं करो, क्यों नहीं करो, इसके रीज़न हम 20 बार हम आपको बताएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हम बैठे हों फॉरेक्स में काम करने के लिए, या फिर हमारी ऑडियंस इंडिया को ना छोड़ करके आउट ऑफ इंडिया फॉरेन की ऑडियंस हो, तो क्या हम उनसे हम ऑप्शन की बातें करेंगे? फिर वो जिस कंट्री में है, या फिर जस्ट इमेजिन कि हम फॉरेन में बैठ करके काम करें, हम उसी मार्केट को देख रहे हैं, हमें इंडिया मार्केट में कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, हमें नहीं मालूम है। अब हम वहाँ पर बैठ करके काम करें तो वहाँ की प्रॉब्लम्स, वहाँ के ट्रेडर्स को जो प्रॉब्लम्स आती होंगी, बेसिकली ये चेंज होता रहता है सब कुछ। ये चीज़ हम डिस्कस आपसे इसलिए करें क्योंकि जब भी हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, या देखिए अभी हम ये सिस्टम बता रहे थे, अचानक से देखिए बात कहाँ चली गई, तो ये चीज़ें चेंज हो जाती है कि हम लोग किस मार्केट में बैठे हुए। अब हम आपको बता तो रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास कुछ फिक्स्ड फॉर्मेशन होती हैं, कैंडल से कैंडल एंड वॉल्यूम्स को रीड करते हुए हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। इसके साथ ये बात बताना भी तो ज़रूरी हो जाता है कि जब हम लोग एक सही सेगमेंट को चूज़ करके ये सारी एनालिसिस करेंगे तब तो उसका रिजल्ट निकलेगा। अदरवाइज आप एनालिसिस ये कर रहे हो और बैठ रहे हो ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए, तो आप कहाँ से कर पाओगे? आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं आएगी। इधर एक कैंडल बनी, उधर आपका प्रीमियम हाई, आप फटाक से निकल गए, पता नहीं कहाँ चली जाती है रीडिंग्स, पता नहीं सब कुछ कहाँ गया, वॉल्यूम गया, प्राइस गया, सब कुछ गया। आपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की, लेकिन कल जैसे मार्केट खुली आपने मार दी ऑप्शन, सारी एनालिसिस आपकी गई, सब मिट्टी में मिल गई। हम क्या क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो भी हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं मार्केट्स रिलेटेड, इसके लिए ज़रूरी है कि एक सही सेगमेंट में आपका फोकस हो, वो सेगमेंट जहां पर लॉस के चांसेस कम से कम हो, सीखने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो। आप करते रहो ऑप्शन, सिवाय लॉस के कुछ नहीं होगा, सिवाय लॉस के कुछ नहीं होगा, करते रहो ऑप्शन, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लॉस करोगे। इक्विटी में सबसे पहले आपको प्रॉफिटेबल होना है, मेरी बात मान लोगे, काम करना स्टार्ट कर दोगे तो इक्विटी में प्रॉफिटेबल होने के बाद में ऑप्शन करो, नहीं मानोगे तो मार्केट तो आपको सिखा ही देगी। मार्केट जब सिखाएगी तो फिर हो सकता है फिर आप ट्रेड के लायक भी ना बचो, ट्रेड के काबिल ही ना बचो, क्योंकि तब बहुत देर हो चुकी। क्रिकेट की सीढ़ी ही यही है, सबसे पहले इक्विटी को मास्टर करो, आफ्टर दैट डेरिवेटिव्स में जाओ। वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं ना कि फ्यूचर्स में जाते हैं, ऑप्शन ऐसे नहीं करते, ऑप्शन को हैज करने के लिए इनबिल्ट किया गया था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया है, वहाँ पर ऑप्शंस को भी लोग ट्रेड करने लगे, इसी के नाम पर इंडस्ट्रीज चल रही हैं सारी की सारी। तो कोई भी आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हुए नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि उनका सब कुछ इसी से चल रहा है। ये अपनी कुछ फॉर्मेशंस हो गई ना, और यहाँ पर देखिए कैंडल से कैंडल को रीड किया। अभी हम लोग चार्ट के ऊपर चलेंगे और चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक दो चार्ट हम रीड करेंगे आपके सामने, उसे या तो आप कह सकते हो कि कल के लिए आपके पास कुछ स्टॉक्स, आज की वीडियो से कल के लिए कुछ स्टॉक आपके पास आ जाएंगे, और दूसरी चीज़ जो स्टॉक हमने कल ट्रेड किया था ना, उसके ऊपर की एनालिसिस क्या रही, इसको हम लोग देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में कल के दिन हमने शॉर्ट सेलिंग की थी, क्योंकि सारी चीज़ें डेली टाइम फ्रेम पर ही हमारी क्लियर थी। करीब प्राइस हमारा इसी जगह पर रुक गया बहुत देर तक, और लास्ट में ये ऊपर की तरफ जाकर के क्लोज हो गया। यहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। सो यहाँ से इसके अंदर कल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। टारगेट पॉइंट हमारा क्या था, 5162। इस जगह तक इसको प्राइस को आना था। आप कैसे भी करके अपोलो हॉस्पिटल को 5162 पर आना है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्राइस ने अगर हमारा ये लेवल ब्रेक कर दिया ना, तो हो सकता है 2 या 3 कैंडल में प्राइस हमारा नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि स्पाइक्स की उम्मीद हमें थी। कल अपोलो हॉस्पिटल में मूव हो सकता था, ये सोच करके हमने ट्रेड एक्सिक्यूट किया था, और बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था। तो जितनी बड़े बड़े यहाँ पर ये कैंडल्स बन गई ना, इतनी ही बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फिर हमारा डाउनफॉल देगा, क्योंकि बड़ी कैंडल तो बननी है। बड़ी कैंडल्स बनने के बाद में फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी, क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सारे के सारे ऑर्डर्स हमारे स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स बन रहे हैं। तो जैसे ऐसे हिट होगा, वापस से मार्केट फिर अपसाइड की तरफ बूम हो जाएगी, लेकिन आना है इसको डाउन साइड की तरफ। तो ये तो अपोलो हॉस्पिटल था। अभी अपोलो हॉस्पिटल को शॉर्ट सेल किया ही क्यों था, एनालिसिस इसकी क्या बोल रहे थे कि जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आ गए, सारी मार्किंग्स को हम रिमूव कर देते हैं। कुछ नहीं करते हुए सिर्फ हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी मार्किंग करेंगे। ये बात आप देखिए कि जो भी लाइन हमने ड्रॉ की है, मार्केट इस लाइन के पास में जब जब आ रही है, यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या होता है। जब भी प्राइस इस जगह पर आ रहा है, डाउन साइड के मूवमेंट्स हो रहे हैं इसके अंदर। जब भी ये देखिए हाई लो, फिर से देखिए हाई, अगेन गिर गया, फिर से हाई, फिर से फिर गिर गया, फिर देखिए यहाँ पर फिर से डाउन साइड की तरफ गिर गया। अगेन देखिए इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था इस जगह पर। मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया, और हाई लगा देने के बाद में क्या है, 1 2 3 4 5 6 5, और ये हुआ 6 टाइम भी मार्केट यहाँ से गिर गई। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम ये तो देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, और जिस मेथड से हमने यहाँ पर अपने लेवल्स ड्रॉ किए थे, ये हमारी फिक्स्ड फॉर्मेशंस होती हैं। इन फिक्स्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली कैंडल का जो हाई था, ये मास्टर कैंडल बन रही थी मेरी। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स लगा लेते हैं। कंफर्म कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत सारी देखिए रेड कैंडल्स बन रही हैं, बाद में फिर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, यहाँ पर मेजोरिटी आ गई। वापस देखिए प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ गिर गया। गिर जाने के बाद में फिर से देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया। मार्केट ने क्या किया, इस एक रेजिस्टेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस इंटरनल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, हाई हाई नीचे की तरफ है, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो गया। अभी अगर स्ट्रांग है तो उसको ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए था। वापस देखिए 5294 इस रेंज के पास मार्केट आई, इसको ऊपर जाना चाहिए था ना अगर ये स्ट्रांग, क्योंकि इसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, सस्टेन हुई, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। वापस से प्राइस हमारी रेंज के अंदर की तरफ आकर के ट्रेड कर रहा है। तो जिस कैंडल ने मेरे रेजिस्टेंस को टच किया, हमें क्या करना है, सिंपली हम प्रीवियस कैंडल का ये लो मार्क कर लेते हैं। क्यों, अब ये लो ही क्यों मार्क किया गया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज़ देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो फिर ये चला जाए, फिर ये डाउन साइड की तरफ करने क्या है। अब यहाँ पर प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। आप देखो कि ये वाली कैंडल बनी, यहाँ पर क्या ना हाई ब्रेक हो गया। इसके बाद में ये जो मदर कैंडल फॉर्म की है, फॉर्म हुई है, इसने ना तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, ना ही लो ब्रेक किया, ये एक छोटी सी कैंडल बन के रह गई। इसके बाद में फिर हमने वेट किया। हम देख रहे थे कि अपोलो हॉस्पिटल में या तो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो, क्योंकि ये एक जरिया बन रहा है, ये एक जगह बन रही है, ये एक हमको एक रीज़न मिल रहा है कि प्राइस अपनी किसी कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, और लो टूटना मतलब वो वीकनेस होता है, और ऑलरेडी प्राइस हमारा रेजिस्टेंस पर है। देख रहे ना, सारी चीज़ें हम लोगों के जस्ट सामने ही हैं। आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, इस एक जगह से हम लोग क्या करें, बाई या सेल, क्या लगता है आपको। सबसे पहला पॉइंट, प्राइस हमारा रेजिस्टेंस पर है। दूसरा, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर की तरफ निकली, तो इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए ना। क्या हो रहा है, इस ग्रीन वाली कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर ही नहीं पा रही है। यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर क्लोज नहीं हुई। तो या तो अगर प्राइस हमारा स्ट्रांग है तो हाई ब्रेक करे, और अगर वीक है तो फिर लो ब्रेक करे। इसने क्या किया, इस वाली कैंडल का, अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक, ये डेली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम पर आओ और आप अपने कंफर्मेशन लो 5265 का जो एरिया है ना, बिल्कुल इस एक जगह पर, इस वाले पॉइंट पर हम लोग एक काम करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम का हो गया। अब लोअर टाइम फ्रेम पर जस्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओ। जो 9:15 की कैंडल है ना, 9:15 की कैंडल का हाई मार्क कर लो। हाई क्यों मार्क किया, अब यहाँ से भी अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना तो फिर चला जाए इस एक जगह से, बट प्राइस ने क्या किया, हाई ब्रेक किया। ठीक है करो, 915 की रेंज के अंदर नहीं आनी चाहिए मार्केट, लेकिन देखिए क्या हुआ, 915 की रेंज के अंदर आई है मार्केट। कैसे, एक रिजेक्शन कैंडल और हमारी एंट्री की कंफर्मेशन के साथ में देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म करके मार्केट है। इसके नीचे जैसे ही प्राइस गया ना, ये अपने एंट्री से कन्फर्मेशन हैं और डे हाई के ऊपर हमने थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस लगा रखा, क्योंकि चांसेस बहुत कम है एसएल हिट होने के। और मार्केट देखिए क्या किया ना, बिल्कुल सीधे गिर गई। डेली टाइम फ्रेम पर आप एक बार फिर से आ जाओ, अभी आना है इसको और डाउन साइड की तरफ आएगा इस एक जगह से। ये वाला जो पॉइंट हम आपको बोले ना, सबसे प्योर तो बन रही है वाली कैंडल हमारी, बट यहाँ से नहीं आते हुए अगर इसने प्रीवियस कैंडल के स्विंग, प्रीवियस जो स्विंग है इसके हाई तक भी अगर मोमेंटम देखा तो फिर यहाँ से स्विंग हो जाएगा ऊपर की तरफ, फिर ये निकल जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक दूसरा स्टॉक लेते हैं। हम अशोक लेलैंड को एनालिसिस करेंगे, जैसे कि 13 नवंबर के लिए चार्ट बना तो क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, प्राइस क्या अपसाइड की तरफ जा सकता था, या फिर कल जो मार्केट ओपन होगी तो कल क्या हो सकता है, कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। ज़रूरी है हमारे लिए कि यहाँ पर सबसे पहले तो अपने पॉइंट ऑफ एक्शन हम निकालें। हम क्या कर सकते हैं, जस्ट स्विंग के स्विंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी ये कैंडल निकालते हैं। जैसे कि हमारी ये रेड वाली कैंडल बन रही है, तो हम इस रेड वाली कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं। तो हमने मार्क किया क्योंकि ये हमारा बन रहा है स्विंग पॉइंट। इस मास्टर कैंडल को मार्क करने के दो रीज़न है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीज़न है कि हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस ने यहाँ पर एक स्विंग हाई लगाया। इस स्विंग हाई के लगने के बाद मार्केट सीधे नीचे की तरफ फॉल हो गई। वापस से देखिए इसने अपसाइड के एक रेजिस्टेंस लगाया और मोहरी ट्रेडिंग वाले दिन, मतलब कि जो ट्रेडिंग सेशन थोड़ी देर के लिए भी जो ओपन हुआ हमारा, इसने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई मेरी रेंज के जस्ट ऊपर। यहाँ पर यहीं पर ये ओपन हो गई और यहीं पर ये क्लोज हो गई, ओपन क्लोज। ठीक है, कल के सेशन में क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्ट इसी जगह से मेरी डाउन साइड में आ गई 175.35। अब हमने लोअर टाइम फ्रेम पर इसको देखा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। प्राइस अगर इस जगह पर आए तो रुकेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वो इस तरह से करते ये डायरेक्ट इस तरह का मूव दिखाता है, जब भी दिखाएगा। अभी लोअर टाइम फ्रेम पर इसको जाकर के एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सेलर जोन अगर यहाँ से प्राइस यहाँ पर देखिए 915 की कैंडल इतनी बड़ी बन गई, 1.22% की कैंडल, 1.5% की कैंडल, और इसके बाद फिर पूरे दिन मार्केट हमारी साइड में, पूरे दिन फिर इतनी बड़ी कैंडल हमारी नहीं बनी है। क्या हो सकता है नेक्स्ट सेशन के लिए, क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन है हमारे अकॉर्डिंग हमारी मास्टर कैंडल के जस्ट पास में है। अशोक लेलैंड में क्या करना है, बाई या सेल, क्या करना होगा। जब मार्केट इस जगह पर आई है इसने डाउनफॉल दिखाया है, अब ये सेकंड टाइम है। यहाँ पर आने के बाद में फिर से मैं ऐसा लग रहा है कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। अगर मार्केट आपको 175.35 पर दिख रही है अशोक लेलैंड, तो इस जगह से फिर हम लोग यहाँ पर शॉर्ट साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अपने एंट्रीज के कंफर्मेशन लेने के बाद में। कई बार ऐसा होगा, प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये बताई थी आपको बात, कई बार ऐसा होगा कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ क्लोज कर दे तो क्या हम बाई कर लेंगे, हमें नहीं करना है बाई। या फिर क्या एक सिंगल कैंडल नीचे की तरफ क्लोज दे तो क्या हम शॉर्ट कर देंगे, नहीं कर देंगे शॉर्ट। प्रॉपर हमें यहाँ पर हमारी एंट्रीज के कंफर्मेशन चाहिए होंगे, जैसे ही कंफर्मेशन मिलेंगे हम कर देंगे शॉर्ट। मेरे पास क्या है, एक स्टॉक सिलेक्टेड है अशोक लेलैंड, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, शॉर्ट सेलिंग करनी है, शॉर्ट सेल करना है, लेवल्स है, कौन सा स्टॉक है, तीनों चीजें क्लियर, और ये तीनों चीज ही इंपॉर्टेंट होती है। बस लाइव मार्केट में मेरे पास प्लान है, अब प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट करने जाना है। लाइव मार्केट में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वहाँ डॉक्टर नहीं बनना है हम लोगों को। बाई हो रहा हो जाने दो, लेकिन हमें सिर्फ अपने लेवल से, अपने फिक्स्ड किए हुए स्टॉक से, हमारा जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है उस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट सेलिंग करनी है, हम वही करेंगे। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, बाय बाय। इसी की तर्ज पर या इसी तरह से आप कोई भी स्टॉक उठा लो, यूपीएल है, यूपीएल को भी ट्रेड कर सकते हो। सेम हम लोग इसी तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करें, अपने लेवल्स बस हमें निकाल लेने और उस लेवल्स के पास जैसे ही कोई स्टॉक आएगा हम लोग उसे ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये होगा। अभी हमने शुरुआत में आपसे कहा था, ये ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिया, दो वीडियो देख लिया तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस करनी होगी, कॉन्टीन्यूअस। ऐसा नहीं आज एसएमसी पर चले गए, कल प्राइस एक्शन, फिर आप इंडिकेटर्स पर आ गए, फिर आपने कुछ और चंद्रमा और सूरज देख करके काम करने लगे, फिर आप गैन लेवल्स निकालने लगे, फिर आप फिबोनाची निकालने लगे, फिर आप आरएसआई पर काम करने लगे, बोलिंजर बैंड, कुछ नहीं। जो भी करना ना, एक सिस्टम फिक्स रखो, सालों लग जाते हैं एक सिस्टम को मास्टर करने के लिए। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाते हैं समय के अभाव के चलते, सो उसको हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं। थैंक्स, गुड बाय, एंड आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।